अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको वो भी दिखाएंगे। अभी अपनी डक्स का भी दिखाता हूँ, वो थोड़ी सी बेहतर हो चुकी है। मैंने उनको बाहर खोला हुआ है, सही चल रही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इनको बाहर खोला, थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है, लेकिन अब इस तरह है कि वो गिर नहीं रही हैं, चलते सही तो चल पा रही हैं अपना नॉर्मल। वहाँ पर बाज रहा है तो वो खा वा भी रही हैं और सब नॉर्मल है। ये सब चेंजेस देखें, आप लोग को समझ तो आ रहा होगा। ये तीन मुर्गियाँ यहाँ पर आ गई हैं और ये असील मुर्गा जो है इसको मैंने यहाँ पर अकेला है, ये चूहे तो अपनी जगह पर है, ये मुर्गा अकेला है बस। और यहाँ पर जो तीन मुर्गियाँ हैं ये अपनी अकेली हो गई हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट मेरा है ये मुर्गा और असील मुर्गी। अभी दो दिन पहले मैं इन दोनों को साथ रख चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इनको खोला नहीं है, क्योंकि इस वक्त मुर्गी डर रही थी, भाग रही थी। तो अब जो है मैं इनको खोलता हूँ पहली बार दो दिन के बाद, जब से इनको साथ करा। ये तो मुर्गा ही मुझे मारने आ रहा है। मुर्गी भी साथ है, ये देखिए ये इस तरह से मुर्गी भाग रही है। अभी मैं करूँगा ये कि असील मुर्गी को खाली बंद करके इन तीन मुर्गियों को या तो इस मुर्गे के साथ खोलूँगा, बाहर बंद नहीं करूँगा, सिर्फ खोलूँगा या फिर असील मुर्गे के साथ खोलूँगा। ये तीन मुर्गियाँ जो उधर हैं वो अंडे तो दे रही हैं, दो दिन से उन्होंने अंडे दिए हैं यहीं पे अकेले। अब मुझे नहीं पता एक ने ही दो दिए या किसी दो ने दिए, लेकिन दो अंडे आए हैं लगातार। ये अपना यहाँ पर घूम रही हैं, मुर्गा यहाँ पर है और ये मुर्गी जो यहाँ पे जो चावल पड़े हुए थे वही वाले जिससे हमारे डक्स की तबीयत ख़राब हो गई है, ये वो खा रही है अभी जो जितने पड़े हैं। बाकी तो मैंने यहाँ पे बंद करके रख दिए, अभी और नहीं दे रहा हूँ किसी को भी। सबसे पहले नीचे जाता हूँ मैं, डक्स के लिए पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पर घूम रही है इनको पानी चाहिए। ये पानी ला के मैंने यहाँ पर रख दिया है, इतने में यहाँ पर असील मुर्गी वाली मुर्गियों से लड़ना शुरू हो गई है, और लड़ भी ऐसे रही है कि उनके पूरे जाल के ऊपर चढ़ चुकी है। इसके परवर देखें, इतनी गुस्से में आई हुई है, इनके पिंजरे के ऊपर चढ़ गई है इनको मारने के लिए। अब ये लोग पानी पी लें तो फिर मैं दोबारा से अपनी डक्स को खोल देता हूँ, ना वो असील मुर्गी तो इनको मारेगी। दोबारा से इनको खोल देता हूँ, वो लोग पीछे हट चुके हैं, इसलिए आएंगे ये लोग भी यहाँ पर देख के पानी ये लोग पी लेंगे। ये देख चुके हैं पानी को, लेकिन अब मुर्गे के हटने का इंतजार कर रहे हैं। चलें अब दुआ करते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, हमारी असील मुर्गी जो अंडे देना शुरू कर दे। और एक और बात यह है कि जो है अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हो गई है। अभी आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, छत पे कोनों पे हर जगह नमी भी है, पानी भी एक जगह पर खड़ा हुआ है, ओस जो गिरती है सुबह सुबह या रात के वक्त। तो अब उसकी भी तैयारियाँ करनी है, पिंजरों को ढकेंगे कैसे कुछ नहीं पता, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं माशाल्लाह से, तो अब उनको ढकना कैसे सब कैसे करना है वो भी देखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके इंतजाम भी करेंगे, एक दो और चीज़ें वो भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ कि हम लोग बिल्कुल ये परसेंटेज देखें, जो इतने लोगों ने हमारी जो वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ, जितने लोगों ने नहीं करा हुआ वो भी सब सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग नई नई वीडियोज़ बनाएँ तो हम लोग भी मोटिवेट हों।